उसने कहा था ये टावर पूरी कुंडरी के लिए खराब है, 4 इंच की दीवार पे टावर लगाया जाता है, बदमाशी उरूज पे रहे। हमारी औरतें ना नहा सकती है, ना कपड़े बदली कर सकती है, ना खाना पका सकती है, कि इस टावर को फिर फौर उतारा जाए। इन्हें जी शफाफ इंक्वायरी कई वजह असाज उस्ताद ग्राहक कई वजह। कुंडरी के स्कूल टीचर पर मुकदमा दर्ज करने और इसकी बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ी तादाद में तालका कुंडरी के असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने टेटे अलफ तालका कुंडरी के सदर वली मोहम्मद कपरी, गस्टा के रहनुमाओं अकबर गिशकोरी, अकबर चांडियो, असातिज़ा अब्दुल रजाक सान, नजीर माविया, अब्दुल रशीद सहर, दिलशाद चौहान, मोहम्मद अकरम, सिविल सोसाइटी के अब्दुल रहमान आरई व दीगर ने गवर्नमेंट काजी सुल्तान में प्राइमरी स्कूल कुंडरी से एक बड़ी रैली निकाली, नेशनल प्रेस क्लब कुंडरी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। पुलिस गर्दी करो, शर्म करो, हया करो, मुजाहरीन से पेटे अलिफ तालका कुंडरी के सदर वली मोहम्मद कपरी व दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए इस वाक्य की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि गिरफ्तार स्कूल टीचर शरीफुल नफ्स इंसान है, इसने और पड़ोस के दीगर मकीनों ने इनके घर के साथ एक कमजोर इमारत पर मोबाइल फोन का तवील टावर और हैवी जनरेटर नस्ब करने पर एतराज किया था और सिंध हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ इदारों में इसके खिलाफ दरख्वास्तें दे रखी थी। इससे दस्तबरदार होने के लिए पुलिस ने ठेकेदार आशिक अली की मुदियत में इंतकामी तौर पर झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज करवाई है। इसको अपनी मासूम बच्ची के हमरा स्कूल ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलते ही पुलिस ने मदई की प्राइवेट कार में जबरदस्ती डालकर थाने ले गई, जबकि इनका मोटरसाइकिल भी पुलिस अपने हमरा ले गई। बाद में एक बड़े मुजरिम और डाकू की तरह मौजिज और पैगंबरी पेशा से वाबस्ता टीचर को दोनों हाथों में हथकड़ियों पहनाकर अदालत में पेश करके पैगंबरी पेशे की तजलील की गई है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वजीर अला सिंध, सूबाई वजीर तालीम और IG सिंध से अपील की के इस वाक्य की मुनसफाना इंक्वायरी करवा कर मुलवस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर असाजा तंजीमें सिंध भर में सड़कों पर निकल कर धरने देंगी और मुजाहरे करेंगी। शोलों से मोहब्बत करते हैं, ए जिस्त हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। मैं हमारे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूँ कि याद रखो, एक पहले भी CM आया था, उसने प्राइमरी स्कूल टीचर को कोई अहमियत नहीं दी। आज वो थर के नखलिस्तानों के अंदर भटक रहा है। साईं अली मुराद शाह साहब, मेहरबानी करके असातिज़ा जो पैगंबरी पेशा है उसका साथ दें, इंक्वायरी करें। पुलिस ने एक नाहक क्यों FIR किसके काटने कहने पे काट रही है, ये वडेरा शाही सिंध के अंदर बंद की जाए। बगैर का इंक्वायरी से गिरफ्तार करो उनके स्कूल पायो पे उनके गिरफ्तार पुलिस कर दी उसको हकरो उस्ताद पकड़ो बे सुभान बे उस्ताद जी लो। ये हमारी औरतें ना नहा सकती है, ना कपड़े बदली कर सकती है, ना खाना पका सकती है। हम हुकूमत वक्त से पर जोर अपील करते हैं कि इस टावर को फिर फौर उतारा जाए और आबद को जल्द रिहा किया। अमल के खिलाफ निकता आयो तमाम उस्ताद गरीब बेटे अलफ तालका कुंदरी इन्हें की सख्त मजम्मत करे थी। मैं असी मुतालबो करो था इन्हें पूरी FIR की जुडिशियल इंक्वायरी कई वजे इन खिलाफ अगर न थी इंसाफ न थो तो असाजे एहतियात जो दायरों तमाम वसी कर उस्ताद भा मास्तर आबिद अली अराई जिन्हें बिला जवाज कूड़े केस में फंसा वो है असा आला इंतजामिया का SP उमरकोट का DC उमरकोट का यो मुतालबो था करूँ कि इन की शफाफ इंक्वायरी कई वजे असाज उस्ताद के रिहा किया वजे जे इन FIR कटाई है उन्होंने FIR जो असो उस्ताद जो रिकॉर्ड क्रिमिनल ना है असो उस्ताद बेडो ही है तो जे उन FIR कटाई है उन FIR थे खे।